की चौखट जहां आंगन बबूल का मंजिल है खोई खोई सी रास्ता है धूल का धड़कन बिखर जाए ना आंखें ये भर आए ना सांसों में तू भर ले दम ना हौसला हारेंगे हम ना हौसला हारेंगे जो लोग तुझे छोड़ के चले गए हैं ना वो तुम्हें कभी प्यार करते ही नहीं थे और जो लोग यहाँ तुम्हें प्यार करते हैं उन्हें धीरे धीरे अपना बना लो इसी में तुम्हारा और हमारा दोनों का फायदा है पूरा एंजॉय करूंगा बैठ जाइए अपना ही घर समझिए परेशान मत होइए जीवन बहुत खूबसूरत है और जीवन पथ एक वृत्त के समान होता है जिस पर चलते चलते कई बार हम पुरानी जगहों तक पहुंच ही जाते हैं जीवन कई बार मौके देता है बस जरूरत है हिम्मत के साथ अपने हाथ से उस मौके को संभालने की हौसले और उम्मीद के साथ एक गर्त में गिरा हुआ इंसान भी आकाश की ऊंचाइयों को छू सकता है मैं श्रद्धा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रुबीना ने ये कभी नहीं सोचा था कि बिक्कू से उसकी मुलाकात कुछ इस तरह से होगी लेकिन बिक्कू से उसकी मुलाकात का होना जीवन के द्वारा दिया जाने वाला उसको एक दूसरा मौका था जीवन के द्वारा एक महीन रेखा खींची जा रही थी जिस पर चलकर वो इस दलदल से निकल सकती थी लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन का निर्धारण 10% हमारी क्रियाएं करती हैं और बाकी का 90% उन क्रियाओं पर दी जाने वाली हमारी प्रतिक्रियाएं करती हैं इसलिए दिलचस्प बात यह होगी कि रुबीना और बिक्कू इस मौके को कैसे संभालते हैं और क्या वो इस संभावनाओं में तब्दील करने में सफल हो पाते हैं और गारा करूं ये ठीक है वो तो पाउडर लगा लूं और गोरी दिखने के लिए लगा लेती हूँ ना लगा लेती हूँ ठीक है ठीक दिख रही हूँ बाल बांध लो क्या है ना रुबीना मैं बिक्कू हूँ रुबीना मैं तुम्हारा दोस्त बिक्कू हूँ देख तू मेरे लिए सिर्फ एक कस्टमर है समय बर्बाद मत कर मेरी अपना काम कर और निकल तुम रुबीना मैं बिक्कू याद करने की कोशिश करो रुबीना मेरे बहुत कस्टमर बाहर इंतजार कर रहे हैं मेरा समय बर्बाद मत कर अपना काम कर जिस काम के लिए आए हैं ना वो काम कर निकल रुबीना मैं चल शुरू हो जा रुबीना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बिक्कू याद करने की कोशिश करो रुबीना इधर क्यों बैठा रुबीना याद करने की कोशिश करो मैं बिक्कू हूँ तुम रुबीना हो कौन बिक्कू कौन बिक्कू रुबीना मैं तुम्हारा दोस्त बिक्कू मेरा बिक्कू ऐसा नहीं था रुबीना 8 साल पहले तो मिली थी मैं इससे सिर्फ 8 साल पहले मिली थी रुबीना प्लीज एक तू ही था जिस पे मुझे उम्मीद थी मुझे बचाने आएगा मुझे इस दलदल से निकालेगा लेकिन लेकिन तू मुझे खरीदने आए तू ही मुझे खरीदने आ गया रुबीना मैं तू ही बचा था तू भी आ गया आजा रुबीना नहीं आजा ना आजा बैठ जा आजा रुबीना मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारा दोस्त बिक्कू हूं रुबीना मुझे माफ कर दो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तुमको लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया मैं बहुत परेशान हो गया था
मैं भटका हूँ तुम्हारे लिए, बहुत किसी से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। रवीना तेरा नया कस्बा इंतजार कर रहा है। किसी को अगर पता लग गया ना कि तू मेरा दोस्त है तो तुझे मार डालेंगे बिक्कू। तू जा, मैं अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं तुझे मेरी कसम है बिक्कू, तू जा यहाँ से बिक्कू, जा यहाँ से बिक्कू। मैं जा रहा हूँ, तू यहाँ से जा। मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें लेने आऊंगा। तू जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बड़ा शक्ल से तो तू मवाली दिख रहा है, और तेरी बात झूठ निकली ना सोच लेना। सर मैं मवाली होके आपके पास झूठ बोलने थोड़े ही आता। सर मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूँ सर, बड़े शरीफ और रुआब वाले लोग हैं, वो ऐसी हरकतें करेंगे नहीं सर। सर मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ मेरी दोस्त रूबीना उनके कब्जे में है, आप बस उसे बचा लीजिए, फिर मैं उसे लेके अपने गांव वापस चला जाऊँगा सर। बढ़ाया गाँव जाने वाला, सर ये झूठ बोल रहा है सर। अच्छा तो सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है या सच ये तो बात की बात है। पहले जरा उन शरीफ और रुआबी लोगों से मिल तो लें। चलो बैठो गाड़ी में। हाँ वायरलेस पे इन्फॉर्म करके और फोर्स मंगाओ। चलो जल्दी करो। नए जमाने का गला बनाना एकदम मस्त सही है। अरे तू पापड़ जल्दी जल्दी हाथ चला, डिलीवरी का टाइम हो रहा है। तुम लोग हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। अरे वाह ये तो बहुत मस्त है, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। इंस्पेक्टर साहब आप अचानक से यहाँ, वो भी पूरी टीम के साथ? सर रुबीना उसी कमरे में थी, मुझे पता है सर, मैं यकीन कीजिए इन लोगों ने उसे कहीं छुपा दिया है। सर सर मैं सच बोल रहा हूँ। फिर तो आप ये भी कहेंगे कि यहाँ की महिलाएं और औरतें काम नहीं कर रही हैं? सर मेरा विश्वास कीजिए वो यहीं कहीं है। इंस्पेक्टर साहब हम तो लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्वाभिमानी बनाने के लिए वचनबद्ध, और आप तो जानते ही हैं कि अगर महिलाओं के हाथ में हुनर आ जाए तो वे पुरुषों से कहीं कमतर नहीं, इसी कोशिश में लगे रहते हैं, आप तो देख ही रहे। हाँ वो तो देख ही रहा है, लेकिन क्या है ना मैडम जी, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं, तलाशी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अरे परेशान मत होइए, अगर आप गलत नहीं है तो यकीन मानिए इस देश का कानून आपको जरा सा भी परेशान नहीं करेगा। मेरे पीछे आओ। सर 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 रुबीना मिली क्या? देखो तुम्हारे कहने पर हमने पूरे घर की तलाशी ली है, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, तुमने जैसा बताया था यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, समझे? हाँ मैडम माफी चाहते हैं, चलते हैं हम। सर सर वो मर जाएगी सर, प्लीज उसे बचा लीजिए सर, मुझे पता है वो यहीं कहीं है, इन लोगों ने उसे छुपा दिया सर, प्लीज उसे बचा लीजिए सर, वो मर जाएगी सर, प्लीज उसे बचा लीजिए। अब तुम्हें समझ में आया कि हमारी पहुंच कहां तक है? जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे ज्यादा थाने में हमारे मुखबिर है। इस घर में इतने तहखाने हैं कि इंस्पेक्टर की पूरी जिंदगी बिना कुछ नहीं ढूंढ पाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैर पकड़ रहा हूँ, आप प्लीज रुबीना को छोड़ दीजिए, आपको पैसे चाहिए ना? पैसे की धमकी किसको देता है? हाँ हाँ ये रुबीना का जो होगा ना सो होगा। अब आज के बाद तू मुझे यहाँ दिखाना तो इस घर के तहखाने में तुझे हमेशा के लिए गुम कर दूंगी। ले जाओ इसे। मैम प्लीज, मैम प्लीज छोड़ दीजिए, मैम प्लीज रुबीना को छोड़ दीजिए मैम प्लीज। लड़की कहाँ है? आओ मेरे साथ। खड़ी क्या है ये खोल। इसे? हाँ हाँ इसे खोलो। इसमें क्या है? माशाल्लाह
यहाँ है। आजा, आजा। तेरे यार ने पुलिस बुलाई थी ना यहाँ, हाँ? दुबई वाली पार्टी को कल तक यहाँ बुलाओ। रुबीना को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी भी पैसे अच्छे मिले तो दुबई तो क्या, मैं तो केनिया और पाकिस्तान से भी पार्टी लाके खड़ी कर दूं। बस ध्यान ये रहे कि रुबीना उन्हें पसंद आनी चाहिए। क्या बात, रंगीन नाजुक है, खुशबू है इसमें, फिर भला ये फूल किसी को क्यों ना पसंद आए। तो तैयार करो इसे, कल तक इसका हिसाब पूरा कर देंगे। कहाँ जाती है रे? चलो आइए। खरीदने आ गया रुबीना, मैं तू ही बचा था, तू भी आ गया। आजा रुबीना, नहीं आ जाना। अब तुम्हें समझ में आया कि हमारी पहुंच कहां तक है? जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा थाने में हमारे मुखबिर है। पता कि मैं आपसे किस तरह से प्रार्थना करूं, लेकिन रुबीना बताती कि आप दोनों तरह से सुनते हैं। हाथ कैसे रहे, इससे ज्यादा खास बात यह है कि दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं आप दोनों से रुबीना की जिंदगी की भीख मांगता हूं, मैं भीख मांगता हूं उसकी जिंदगी की। मैं भीख मांगता हूं उसकी जिंदगी की। माले, क्या पता तेरी किस्मत हमसे ज्यादा अच्छी हो। हेलो बिक्कू, 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 मुझे मुझे बचा बचा लो बिक्कू, मुझे लो कहीं लेके जा रहे बिक्कू। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। ए इधर चल, चल इधर। साहब जैसी बोलोगी वैसी मिलेगी, गुलाब जामुन से लेके काजू कतली तक। आप बस बोलती या दिखाती भी। आपका मिजाज मुझे पसंद आया, अभी दिखाते। रेशमा लड़कियों को तो बुलाना। आ गई, कौन सी पसंद है? हीरा है, नहीं आई है, इसलिए नखरे तो होंगे ही।
नखरों की तो कीमत लगती है यहाँ, महंगी है। आपके लिए क्या महंगा और क्या सस्ता। पैसों की चिंता नहीं करती, इसे भेजती इधर जाओ। ए! से जगह से नहीं लेगा। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। चल चल इधर। शक तो उस दिन से ही था तुम पर, लेकिन सबूत नहीं था मेरे पास। और फिर पता चला कि तुम इस लड़की को किसी दूसरे देश भेजने वाली, और तुम्हारे वो खास मेहमान कब और कहाँ आ रहे हैं ये भी हमने पता लगा। खैर, उनको तो हमने एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया। फिर हमने कहा जैसा जैसा हम कहते हैं चुपचाप करते जाओ। वैसे तुमने ये बाजार बहुत बड़ा बना लिया, क्या है ना, आज के बाद ये बाजार कभी खुलेगा नहीं। बाकी की जिंदगी जेल की चार दीवारी के पीछे काटना। ले चलो सबको, चलो चलो। अपी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो मैं इस दलदल से कभी नहीं निकल पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी किसी और के हौसले की चिंगारी से किसी और का हौसला प्रज्वलित हो उठता है। हौसला एक आग है जिसमें ना सिर्फ मुसीबतों को जलाने की क्षमता है, बल्कि खुद को तपाकर निखारने की काबिलियत भी है। रुबीना के दिल में खुद को स्वतंत्र करने की और अपनी जिंदगी को फिर से अपनी मर्जी से जीने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई थी। सिर्फ परिस्थितियों वश वो कमजोर पड़ गई थी, लेकिन जब रुबीना बिक्कू से मिली तब उसने हौसला दिखाया और उसके हौसले ने बिक्कू को साहस दिया। फिर दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक मौका दिया और उसके साथ ही दूसरे लोगों के जीवन भी संवारे। लेकिन रुबीना के कुछ हिसाब अभी भी बाकी थे। रुबीना पुलिस के साथ सबसे पहले अपने ससुराल पहुंची और उसके बाद अपने घर अपने अम्मी अब्बू के पास। ऑफिसर, क्या हो गया? अरेस्ट करो सबको। हमें क्या क्या है? वजह क्या अरेस्ट करने? अच्छा, तुझे वजह जाननी है? बुला उनको। अरे बहू, कहाँ थे तुम? कितना खोजा हमने तुम्हें, तुम्हारे मायके तक हम गए। कोई दिक्कत होती बहू तो तुम मुझे बताती। कमाल है, नौटंकी भी बहुत अच्छी कर लेती हैं आप। चलिए पूरे ग्रुप के साथ जेल में, बाकी को नौटंकी वहीं कीजिएगा। क्या है ना, जरा हम भी साथ दे देंगे। क्यों, ले चलो सबको। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अम्मी का दर्जा दिया था ना मैंने आपको, अम्मी का मतलब भी समझती हैं आप? आपके लिए एक जवाब है मेरे पास। चलो सब। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी बच्ची। माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं एनजीओ खोलती, फिर बहुत सारी लड़कियों की मदद करेंगे। तुझे पता है, अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, तो हमें हमें इस समाज को, इस व्यवस्था को समझना होगा। Thank you.
को पंख लगा, मध्यम है तारों की ला, कोई तो शम्मा जला, धड़कने बिखर जाए ना, आँखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। बेरंग फूलों में भी तू ही तो रंग भरेगा, दिल की जमी पे कभी सूरज ये उतरेगा, जमाने में तेरा ही किस्सा होगा, इस आसमां पे भी हिस्सा होगा, धड़कने बिखर जाए ना, आँखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। बिना मैंने पता किया है एनजीओ खोलते हैं, फिर बहुत सारी लड़कियों की मदद करेंगे। लेकिन बिक्कू तुझे पता है इस देश में एक रूबीना नहीं है, ना ही रूबीना बनने की कोई एक वजह है, वहां तो कई रूबीना थी जिनके पतियों ने तलाक दिया हुआ था, या कईयों के माँ बाप ने उन्हें बेचा, कई तो सिर्फ अपने बेटे बच्चों के पेट पालने के लिए ये करती थी। तुझे पता है अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए तो हमें इस समाज को, इस व्यवस्था को समझना होगा, उन्हें एक स्वतंत्र मत बनाने की ताकत देनी होगी, और उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, हमें उन्हें जुबान नहीं देना है, सिर्फ एक हौसला देने की जरूरत है। बोटी, जल्दी आ, देर हो जाएगी। रुक तो जा। कैसा लग रहा है इतनी बड़ी होकर स्कूल जाके? कुछ फर्क नहीं पड़ता पगले, क्योंकि अब मैं पढ़ाई अपने लिए नहीं, देश की हजारों रूबीना के लिए करने जा रही हूँ। चल चल बैठ जा। मानते हैं कि इस देश में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी की कहानी हमारी कहानी की मुख्य नायिका रूबीना जैसी है, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी पूरी जिंदगी जिस्म के व्यापार में खपा देती हैं। हमें संवेदनशील होना होगा, जागरूक होना होगा। इसका समाधान दो चरणों में संभव है। एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी जो लोग लड़कियों को जबरन इस धंधे में डाल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने, और दूसरा ये कि जो पहले से ही इस व्यवसाय में हैं उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ लेकर देखने की आदत डालनी हो। ये सुनकर आप सबको एक सुखद एहसास होगा कि रूबीना का आगे क्या हुआ। रूबीना ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने बिक्कू के साथ मिलकर एक एनजीओ की स्थापना की, जिस एनजीओ का मुख्य काम वैश्यावृत्ति के दलदल में फंसी हुई महिलाओं और लड़कियों का उत्थान करना और उनका पुनर्स्थापन करना है। आज की तारीख में भी उनकी एनजीओ बेहद सक्रिय है, लेकिन हम उनका नाम और पता नहीं बता सकते।
क्योंकि पहचान को लोग अतीत से जोड़ देते हैं और आदतन छींटाकशी करने लगते हैं। इसीलिए हम उन्हें गुमनाम ही बना रहने दें तो बेहतर होगा। वैसे भी हमारे समाज में लोग महान कार्यों को गुमनाम तरीके से अंजाम देते आ रहे हैं। ऐसे लोगों के हौसलों को, उनके समर्पण को और उनकी पॉजिटिविटी को हम सलाम करते हैं। मैं श्रद्धा फिर से मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते हौसले की एक नई कहानी को लेकर। इसी जज्बे के साथ न हौसला हारेंगे हम। तुमने क्या रोना धोना बचा रखा है? जब से देख रहा हूं इसी तरीके से रोई जा रही है। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, समझी? ये देखो ये घर की चीजें कितनी बिखरी पड़ी हैं। ये नहीं कि इनको समेटे, कुछ काम धाम करें। अरे अभी तो बच्चे नहीं है तब ये हाल है, कल को जब बच्चे आ जाएंगे तब क्या करूंगी तुम? अरे मैं घर देखूं, दुकान देखूं, ऑफिस देखूं, क्या क्या देखूं मैं?